नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली, इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट या पुरुष रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे आपसे कि पेनिस इम्प्लांट के टाइप्स। अगर आपका या आपके किसी फ्रेंड का, या सिर्फ आप जानकारी के लिए देख रहे हैं, तो अगर किसी मर्द का पेनिस काम करना बंद कर दे, उसमें तनाव आना बंद हो जाए, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाए, और वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इतना हो जाए कि उसके पेनिस में ना कोई दवाई काम कर रही है, ना कोई सर्जरी काम कर रही है, ना कोई इंजेक्शन काम कर रहा है, ना कोई वैक्यूम पंप काम कर रहा है, ना पी शॉट काम कर रहा है, ना शॉक वेव काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। कई बार मरीजों में होता है कि इरेक्शन तो हो रहा है पर सिर्फ 30 सेकंड रुक रहा है, 15 सेकंड रुक रहा है, बार बार गिर रहा है, वाइफ संतुष्ट नहीं है, हस्बैंड संतुष्ट नहीं है। तो अगर इन सब स्थितियों में पेनिस की हालत खराब है, तो उसके अंदर हम एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगा सकते हैं, जिससे पेनिस जो है एकदम सख्त रहता है, पेनिस एकदम हार्ड हो जाता है, उसमें इरेक्शन आ जाता है, और उससे मरीज नॉर्मल सेक्स, नॉर्मल यूरिनेशन, नॉर्मल पेशाब, नॉर्मल बच्चे सब कुछ कर सकता है। इस सर्जरी को बोलते हैं पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी, और इसमें जो पेनिस के अंदर जो रॉड डलती है, वो रॉड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आती है, उसके एक डिफरेंट डिफरेंट खर्चे होते हैं उसके हिसाब से। आज हम बात करेंगे कि पेनिस इम्प्लांट कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली जो पेनिस इम्प्लांट है, ये तीन टाइप्स के आते हैं। तो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला इम्प्लांट इंडिया में है मैलिएबल पेनाइल इम्प्लांट। मैलिएबल पेनाइल इम्प्लांट मतलब ऐसा पेनाइल इम्प्लांट जो एक रॉड है, इसको पेनिस में डाल दिया, इसमें कोई पंप नहीं है, पेनिस हमेशा ही लंबाई में और तनाव में रहता है। जब सेक्स करना है तो पेनिस को ऊपर कर लेंगे, और जब सेक्स नहीं करना है या नॉर्मल अपना काम करना है, तो पेनिस को नीचे या पेट के पल लगा के अपना अंडरवेयर वगैरह पहन लेंगे। इसको बोलते हैं मैलिएबल इम्प्लांट। ये दो तरीके से आता है, इंडियन अमेरिकन। मैं इंडियन मैलिएबल इम्प्लांट प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये सस्ता है और ये बेहतर है अमेरिकन मैलिएबल इम्प्लांट से। इंडियन और अमेरिकन मैलिएबल इम्प्लांट में फ़र्क क्या है, उसके लिए एक अलग वीडियो है, आप प्लीज़ सर्च करके देखिए। पर मैलिएबल इम्प्लांट मतलब कि पेनिस जो है हमेशा तनाव में रहेगा। जब आपको सेक्स करना है तो वो तनाव में बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, आप जितना मर्जी सेक्स कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा खत्म हो जाए, तो आप इस पेनिस को नीचे कर लेंगे या पेनिस को ऊपर कर लेंगे, इसको बोलते हैं मैलिएबल इम्प्लांट। दूसरे तरह का इम्प्लांट होता है इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट। इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट मतलब कि ये पेनिस के अंदर दो रॉड्स है, ये रॉड्स के अंदर पानी होता है। तो नॉर्मली हम रॉड्स को लगा देते हैं पेनिस के अंदर, और हम एक बलून लगा देते हैं पेट के अंदर जो आपकी जांघ के पास है, और एक पंप लगा देते हैं गोलियों के पास। तो जब आपको इरेक्शन नहीं है, जब सेक्स नहीं करना, तो पेनिस नीचे की ओर रहेगा, नॉर्मल ढीला रहेगा, कोई हाथ लगा कह नहीं सकता कि उसके अंदर कोई इम्प्लांट डला हुआ है। तो आप नॉर्मल यूरिन का सब कुछ कर रहे हैं। जब आपको सेक्स करना होगा, तो आप पेनिस के अंदर जो या जो बल्ब है, बल्ब को इन्फ्लेट करेंगे। बल्ब को इन्फ्लेट करने से जो वो रिजर्वायर है, उसका पानी जो है पेनिस में जाएगा, और पेनिस पूरा सख्त हो जाएगा। सेक्स करने के बाद जब इच्छा खत्म हो जाए, तो फिर आप एक बार पंप को दबाएंगे, तो सारा जो पानी है पेनिस का वो निकल के चले जाएगा रिजर्वायर में, और पेनिस फिर से डाउन हो जाएगा। इसको बोलते हैं इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट। आपने साथ में छोटी वीडियो में देखा होगा कि कैसे काम कर रहा है। इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट में बेनिफिट है कि पेनिस हमेशा टाइट नहीं रहता, नॉर्मल स्थिति में पेनिस नॉर्मल रहता है। जब आपको सेक्स करना है, आप उस टाइम उसको इन्फ्लेट कीजिए, और जब आपका सेक्स खत्म हो जाए, तो उसको आप डिफ्लेट कीजिए। इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट कई तरीकों के आते हैं, कई कंपनियों के आते हैं, पर सबसे कॉमन दो कंपनियाँ हैं। एक है कोलोप्लास्ट, जिसका टाइटन है, और एक है AMS, जिसका 700 सीरीज़ है। इसमें तीन पार्ट होते हैं, एक पार्ट हुआ रॉड, एक पार्ट हुआ पंप, और एक पार्ट हुई पानी की थैली, इसको बोलते हैं रिजर्वायर। तो ये पेनाइल इम्प्लांट को बोलते हैं इन्फ्लेटेबल। इसमें एक मॉडल आता है एम्बिकोर, जो थोड़ा सस्ता है, उसमें रिजर्वायर नहीं होता, उस कारण से इरेक्शन तो आता है, पर बहुत हार्ड नहीं, थोड़ा सॉफ्ट इरेक्शन रहता है। तो अगर आप पेनाइल इम्प्लांट में चाहते हैं बेस्ट तो इन्फ्लेटेबल है, क्योंकि उसमें आप पंप कर सकते हैं और इरेक्शन ला सकते हैं। पर इंडियन सिनेरियो में मैंने पाया है कि इंडियन इम्प्लांट भी बहुत बेहतरीन रूप से पेशेंट को हेल्प करता है, पेशेंट के लिए काम करता है। तो ये हुए इम्प्लांट के डिफरेंट टाइप्स। इम्प्लांट के बारे में मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, कि इम्प्लांट कौन सा लगवाए, इम्प्लांट कब लगवाए, इम्प्लांट में इन्फेक्शन कैसे रोके, इम्प्लांट के अंदर टाइप्स कौन से होते हैं, कौन सा इम्प्लांट चूज़ कीजिए, इम्प्लांट के बाद रिकवरी, इम्प्लांट के बाद कॉस्ट। तो इम्प्लांट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको देता रहूँगा आगे भी।
ये वीडियो समझ में आया हो तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे दिए गए लिंक में आप और वीडियो देख सकते हैं, मेरे को फेसबुक पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। नमस्ते।